नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दीप जलाओ, खुशियां फैलाओ, ये मंत्र तो जानते तो सब हैं, लेकिन उसे जीवन में बहुत कम ही लोग उतार पाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक अनोखी यात्रा की शुरुआत की, जो न केवल दीपावली के उत्सव को खास बनाती है, बल्कि समाज के हर वर्ग के दिलों में उमंग और खुशियों की रोशनी भी बिखेरती है। इस बार मंत्री नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की 59 दलित बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाने का संकल्प लिया, जिसके बाद ये एक पर्व नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी बन गई। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दीप जलाओ, खुशियां फैलाओ, यही सोच लेकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने इस साल दीपावली का उत्सव अपने विधानसभा क्षेत्र के 59 दलित बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ मनाने का संकल्प लिया। जब उन्होंने अपने संकल्प की शुरुआत की तो एक बार फिर साबित हो गया कि सच्ची खुशी बांटने में है। शुक्रवार को बच्चों का दिन खास बन गया जब उन्होंने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने का अवसर पाया। जैसे ही ट्रेन ने रवाना होने का सिग्नल दिया, बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस सोच के साथ वे लखनऊ की ओर बढ़े। यात्रा के दौरान ट्रेन में मिलने वाले स्वादिष्ट फूड ने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया। लखनऊ पहुंचने पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े से हुआ। कहा जाता है कि जहां खुशियां बढ़ती हैं वहां जीवन खिलता है। इस भाव के साथ मंत्री नंदी ने बच्चों को चारबाग स्टेशन से आनंदी वाटर पार्क की ओर ले जाने के लिए लग्जरी बसों में बैठाया। वहां उनके लिए डिनर और डीजे नाइट का खास इंतजाम था, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब गए। अगले दिन 26 अक्टूबर को बच्चों ने सुबह नाश्ता करने के बाद वाटर पार्क में एडवेंचर गेम्स और म्यूजिकल गेम्स का आनंद लिया। बच्चे वो हैं जो हर बात में खुशी खोज ही लेते हैं। इस जज्बे के साथ वे लुलु मॉल में दीपावली की खरीदारी करने पहुंचे। मंत्री नंदी के साथ की गई ये शॉपिंग उनके लिए एक सपने से कम नहीं थी। इसके बाद फिर से आनंदी वाटर पार्क में लौटकर डिनर और डीजे नाइट का मजा लिया गया। मंत्री नंदी ने कहा कि हर घर रोशनी, हर घर दीपावली का ये अभियान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रेरित है। हम चाहते हैं कि इस दीपावली की रोशनी उन बच्चों के जीवन में भी पहुंचे जो आर्थिक तंगी से जूझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो वो खुशी उन आपकी आत्मा को भी रोशन कर देती है। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं था, बल्कि बच्चों को ये एहसास कराना था कि हर किसी के दिल में खुशियों का हक है। इस दीपावली में सच में हर घर रोशनी, हर घर दीपावली का अद्भुत अनुभव हुआ। एक ऐसा जादू था जो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, सबका साथ सबका विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो हर साल दीपावली पर हर घर रोशनी के तहत हमारी विधानसभा में रहने वाली 59 दलित बस्तियां हैं। दलित बस्ती के अलावा भी कुछ आते हैं ऐसे जहां पर लोग रहते हैं, हमने चिन्हित करके और उसका क्राइटेरिया ये नहीं रखा कि किसी की जान पहचान का हो। क्राइटेरिया ये देखा कि उसमें सबसे गरीब कौन व्यक्ति है, जिसके घर न पुताई हुई है न रंगाई हुई है, तो उसके घर भी त्यौहार अच्छे से मने और बेहतरीन तरीके से, जैसे सिविल लाइन्स में रहने वाले बच्चे या अच्छी अच्छी जगह कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे दिवाली मनाते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं, तो लुलू मॉल में हमने इनको शॉपिंग कराने के लिए और आनंदी वाटर पार्क रिजॉर्ट है, 5-स्टार कैटेगरी का रिजॉर्ट है, तो उसमें 2 रात 3 दिन का रुकने का प्रोग्राम और वो वाटर पार्क में झूले, वाटर पार्क में बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो खेल कूद और लुलु मॉल में शॉपिंग और इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखा है। करीब 400 बच्चे बस से गए हैं और 450 बच्चे अभी ट्रेन से। देखा जाए तो इस 3 दिवसीय दीपावली उत्सव ने साबित कर दिया कि खुशियों की सच्ची परिभाषा क्या होती है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये प्रयास केवल बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव बनाने तक सीमित नहीं था,
बल्कि समाज के प्रति एक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक भी था। जब बच्चे वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं, लग्जरी बसों में बैठते हैं और मॉल में खरीदारी करते हैं, तो वे सिर्फ भौतिक आनंद नहीं प्राप्त करते, बल्कि एक ऐसी उम्मीद की किरण पाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस दीपावली ने न केवल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, बल्कि हमें ये भी एहसास दिलाया कि सच्ची खुशियाँ वास्तव में बांटने में हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।